सभी को नमस्कार और नमस्कार। ये सारे टॉक 6 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पैनलिस्ट के साथ साथ जितने भी लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या जूम पे लाइव देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि मैं शुरू से नोटिस कर रहा हूँ, जिन्होंने सारे के सारे हमारे वेबिनार की सीरीज को फॉलो किया है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट टॉक 6 में। और जैसा कि हमने पोस्ट में भी लिखा था कि आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा के साथ, और पिछला जो हमारा वेबिनार था दैट वाज अराउंड गेटिंग डायरेक्ट सेलिंग इनटू एकेडमिया, कि पढ़ाई लिखाई के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को कैसे लिया जाए, जो कि एक प्रोग्रेसिव बात थी, कि अगली बात थी, कल की बात थी। लेकिन आज हम बात करेंगे जो कि हमारा पिछला कल है, जो हमारा आज है और आने वाला कल है, और जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा जिसको बोला जाता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, डायरेक्ट सेलर्स के साथ आज हम बात करेंगे। और ऐसा जब इन लोगों से मैं मिला तो ऐसा लगा कि घर में बैठे हैं, क्योंकि आई फेल्ट वेरी मच एट होम। ऐसा नहीं कि पिछले पैनलिस्ट के साथ होम पे नहीं मुझे ऐसा फील हुआ, कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, बिकॉज आई कुड रिलेट टू देम एंड बिकॉज आई कुड रिलेट टू माय डायरेक्ट सेलिंग डेज। और मुझे समझ में आया कि यार एक हम आज अब अपने परिवार से बात करेंगे और दिल से बात करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है डायरेक्ट सेलिंग एक दिल से किया जाने वाला बिजनेस है, और बहुत फॉर्चुनेट है हम कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप अचीवर्स हमारे साथ हैं, और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं ये, और इन लोगों से सारा हिंदुस्तान सीख रहा है डायरेक्ट सेलिंग को। तो आज ये हमारे पैनल पे आए हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत, और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, और आज हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे क्योंकि ज्यादा समय हम थोड़ा सा सीखने पे बिताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम दीपक जी से, दीपक कुमार सिंह जी, और बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हैं और अपनी कंपनी के टॉप अर्नर हैं। बहुत अर्ली एज में इनके साथ एक क्योंकि पोलियो अटैक हुआ इनकी और दोनों टांगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, तो डिफरेंटली एबल्ड ये खुद को बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड की बजाय हम बोलते हैं सूटेबली एबल्ड, बिकॉज मैं बड़ा ये मानता हूं कि भगवान अगर कभी कुछ एक कमी आदमी में रखता है तो दो खूबियां देता है, लेकिन हमें उन खूबियों को ढूंढना पड़ता है, और दीपक जी ने उन चीजों को बहुत बखूबी ढूंढा। और इनिशियली जब इन्होंने शुरुआत की तो इन्होंने अपनी जो कमियां है उसको उसको खूबियों में बदल दिया। ही टर्न्ड हिज वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ्स, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने आईटी इंडस्ट्री में काम शुरू किया, वहां भी खूब सक्सेसफुल थे, लेकिन एस्पिरेशन लेवल इनका इतना हाई था कि ये उसमें सेटिस्फाई नहीं हुए, और इन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढते रहे, और फाइनली 2006 में ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए। और इन्होंने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल चैलेंजेस इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यूज आई, क्योंकि बहुत समय तक खड़े रहना पड़ता था स्टेज के ऊपर बात करते हुए, कुछ आपको अगर आपने कहीं पर रैलीज कंडक्ट करनी है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू करनी शुरू की कि ये सिर्फ खड़े रहने की प्रैक्टिस की इन्होंने, और घंटों ये खड़े रहते थे ये देखने के लिए कि मैं कितना देर तक खड़ा रह सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता आज ये ऑल ओवर इंडिया जबरदस्त वेबिनार्स देते हैं, जबरदस्त सेमिनार्स करते हैं, जबरदस्त रैलीज करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से इन्हें जाना जाता है। जब इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी 2006 में, 72 गोल्स लिखे थे अपने, जो इन्होंने अपना बताते हैं ये कि 72 गोल्स इन्होंने शुरू किए, और सिर्फ 7 साल के अंदर वो सारे के सारे गोल्स इन्होंने अचीव कर लिए, और आई एम श्योर कि आज वो 72 से 172 गोल्स हो गए होंगे, और क्योंकि एक गोल डायरेक्ट सेलर जब एक गोल अचीव करता है तो 100 गोल और बनाता है। और 17 कंट्रीज में इन्होंने काम किया है, 14 साल इन्हें काम करते हुए हैं, और इनकम के बारे में तो मैं इनके ऊपर ही छोड़ूंगा, बात करेंगे। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, आप एक रोल मॉडल हो सारी दुनिया के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले हम अपने पैनलिस्ट पे चलते हैं जो कि भी बहुत ही सक्सेसफुल है, कुणाल कामरा जी, और लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट है, और एक छोटी सी टाउन से आते हैं, मंडी डबवाली से आते हैं, सिरसा हरियाणा से। 2005 में इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की, और इंश्योरेंस बैकग्राउंड में काम करते करते 2012 तक इन्होंने इंश्योरेंस में काम किया, और मैं रिलेट करता हूं इनके साथ क्योंकि मैंने भी इंश्योरेंस में काम किया है तकरीबन 6-7 साल, और 2012 तक ही काम किया इंश्योरेंस में, तो हमने इंश्योरेंस इकट्ठी छोड़ी कुणाल जी। और फाइनली उसके बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कि इन्होंने जॉब छोड़नी है, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, और ये एक बड़ा डिसीजन होता है, मतलब मुझे पता है कि फैमिली वाले कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसका रीजन ये रहा कि उसका एक जो परिणाम ये रहा कि आज एक बहुत बड़े लेवल पे सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट है अपनी कंपनी में, और 8 साल की जो इनकी जर्नी रही है
उसमें इन्होंने तकरीबन अपने सभी सपने पूरे किए हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपने तो कभी पूरे नहीं होते, एक पूरा करते हैं 100 और बनते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी के सपने होते हैं वो सारे इन्होंने पूरे कर लिए हैं। जो भी बंगला गाड़ी वो अपने आप ये खुद बताएंगे आपको, और खूब रिकग्निशन है। तो कुणाल जी जबरदस्त पर्सनैलिटी है आप, और डायरेक्ट सेलिंग को आपने बहुत कुछ दिया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अगले पैनलिस्ट पे चलते हैं, डॉक्टर प्रणव। और डॉक्टर प्रणव एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और बीएचएमएस किया इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और ये भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्राउन एम्बेसडर है और प्रोफेशनल है। मतलब हम जनरली हम ये देखते हैं कि यार लोग बोलते हैं कि यार ये तो सेटल्ड है लाइफ में, इनको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उस पीढ़ी से या उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहां मैं आपको वैसे अगर बताया हम इन्हीं से ज्यादा सुनेंगे, लेकिन आज के समय में प्रोफेशनल ज्यादा आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल को ज्यादा जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग, और लीडरशिप कोचिंग ट्रेनिंग बिजनेस पब्लिक स्पीकिंग ये इनके की एरियाज हैं इंटरेस्ट के। पैसिव इनकम के बड़े एडवोकेट हैं ये, और पैसिव इनकम क्या है ये यही बताएंगे, क्योंकि शायद इसीलिए एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के बावजूद इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग चुना, क्योंकि एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क होता है वो शायद इनकी समझ में आ गया। और ये मेंबर भी रहे हैं इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के, और किताबें पढ़ना ट्रेवलिंग इनकी हॉबी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा डायरेक्ट सेलर दुनिया में होगा जिसकी ये हॉबियां नहीं होंगी दोनों, है ना। तो प्रणव जी, डॉक्टर प्रणव स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। इनसे आगे हम चलते हैं एक और जबरदस्त पर्सनैलिटी की तरफ, और इनका नाम बहुत सुना था मैंने और आज इनसे रूबरू हुए हैं, तो रजत कुमार कर जी। ये रोरकेला उड़ीसा से हैं और 20 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें डायरेक्ट सेलिंग में। वैसे आपको इनको देख के लग नहीं रहा होगा कि इन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है, है ना। तो कई बार तो लोगों को लगता है कि 20 ही साल के हैं, तो 20 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं, और ये मानते हैं कि लोगों के सपने पूरे करें तो अपने सपने खुद ही पूरे हो जाते हैं। 90 रुपए से इन्होंने अपना सफर शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग का, और आज के समय में ये कहां पर हैं ये तो खुद बताएंगे। 90 रुपए से ये कहां पहुंचे और कैसे पहुंचे इन्हीं से सुनेंगे। ब्रांड एम्बेसडर है अपनी कंपनी के। रजत जी बहुत बहुत स्वागत है, हम फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि आप हमारे डायरेक्ट टॉक की आप शोभा बढ़ाने आए। थैंक यू। और फाइनली हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी की, और इनसे भी मिलना एक मेरा सपना रहा हमेशा से, तो प्रोफेसर वासुपल्लई। और ये गोल्ड मेडलिस्ट है MA और BA में दोनों में। पहले लेक्चरर, एज अ लेक्चरर इन्होंने अपना करियर शुरू किया मद्रास यूनिवर्सिटी में, उसके बाद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने इकोनॉमिक्स के वहीं पर, और फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल रहे उसी कॉलेज के। और इनकी सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है और जो हमारे बीच में कॉमन है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाते रहे हैं, और जैसा कि जो दर्शक पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग को यूनिवर्सिटीज कॉलेज अकेडमिया में पढ़ाया जाना मेरा एक ड्रीम रहा है। तो प्रोफेसर वासु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये नेक काम कर रहे हैं, और अपनी वाइफ डॉक्टर रत्ना के साथ इन्होंने 75 कंट्रीज घूमी है, 10,000 से ज्यादा वर्कशॉप्स की हैं, और मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मतलब ही हैज अ डिस्ट्रीब्यूटर बेस ऑफ 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स, 50 लाख लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर बेस इनके पास है, ग्राउंड एम्बेसडर लेवल है इनका अपनी कंपनी में, और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये उन एरियाज में अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, उन एरियाज में डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करते हैं जहां पर पहले लोग बोला करते थे कि यार ये स्टेट्स थोड़ी सी गरीब स्टेट्स हैं, इनमें बिजनेस बिल्ड करना टफ है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनमें ऐसे लोगों को लगता था कि यार यहां के लोगों का काम नहीं है, तो इन्होंने वहां पर इसको प्रूव करके दिखाया है। प्रोफेसर वासु बहुत बहुत स्वागत है, मतलब दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम यू ऑन बोर्ड, एंड फाइनली वी मूव अक्रॉस टू आर द पर्सन हु बाइंड्स दिस ऑल टुगेदर, और जिनकी वजह से हम सारे लोग इकट्ठे हो पाए हैं आज यहाँ पर, और जो डायरेक्ट सेलिंग का फेस है अलॉन्ग विद दिस टीम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेतन जी से कि वो अपना भी इंट्रोडक्शन दे, IDSA का भी इंट्रोडक्शन दे, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको यहाँ पे लाया है और हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। जबरदस्त काम करते हैं, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, और डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो भी कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो बुरी चीजों के पीछे तो हजारों लोग हैं, लेकिन अच्छी चीजों के पीछे कुछ ही लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं, और उनमें से अगर शीर्ष पे हम देखते हैं तो चेतन जी हैं। एक तो चेतन जी, ओवर टू यू प्लीज।
थैंक यू डॉक्टर कांत। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैंने पैनलिस्ट तो नहीं कहूंगा, मैंने लीडर्स कहूंगा क्योंकि ये एक्चुअली लीडर्स हैं। और आज मुझे फेमस अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिम रॉन का एक कोट याद आता है, उन्होंने कहा था अ गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप इज टू हेल्प दोज हु आर डूइंग नॉट इज टू हेल्प दोज हु आर डूइंग पुअरली टू डू वेल एंड एज वेल एज टू हेल्प दोज हु आर डूइंग वेल टू डू इवन बेटर। तो लीडरशिप का जो रोल है केवल यहीं तक नहीं है कि जो अच्छा नहीं कर रहा उसको मोटिवेट करे अच्छा करने के लिए, लीडरशिप का एक रोल ये भी है कि जो अच्छा कर रहा है उसको कैसे मोटिवेट करे कि वो और अच्छा करे, अपने आप को और इम्प्रूव करे। सो जैसा भी डॉक्टर कांत ने बताया आईडीएस से, मैंने पहले भी मेंशन किया है, सभी लोग जानते हैं आईडीएस से की स्थापना हुई थी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर को वो मुकाम देने के लिए जो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हासिल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्राप्त है। और ओवर द इयर्स आईडीएसए ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है, चाहे वो 2016 में गाइडलाइंस रही हो या चाहे अब आने वाले बहुत जल्द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हो, आईडीएसए शुरू से आईडीएसए की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आईडीएसए की जो एडवोकेसी कमेटी है, निरंतर प्रयास में लगी रहती है कि डायरेक्ट सेलिंग को वो मुकाम दिया जाए जिसकी वो हकदार है। और आज तक की जो हमारी वेबिनार सीरीज में मैं इस एपिसोड को सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। देखिए अभी तक हमने बात करी कंपनीज की मैनेजमेंट से, अभी तक हमने बात करी एकेडमिशियन से, अभी तक हमने बात करी अदर यू नो शेयर होल्डर्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर ऑप्शन चुना। इनके पास शायद जिंदगी में आगे बढ़ने के और भी बहुत करियर ऑप्शंस थे, बावजूद इसके इन्होंने अपनी प्रेफरेंस डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर को दी, संघर्ष किया, 20-20 साल का संघर्ष इनमें से हर लीडर ने किया है। सो मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि इनकी जर्नी सो फार कैसी रही है और क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं संशय में है कि डायरेक्ट सेलिंग एज अ फुल टाइम करियर हमें करना चाहिए। थैंक यू चेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि पांच पैनलिस्ट हैं और समय हमारे पास लिमिटेड है तो हम फटाफट स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले और जो सबके मन में सवाल आता है जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रैग्स टू रिचेस स्टोरी, जीरो से हीरो का सफर, जितना ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने किया उतना कहीं और नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जाना जाती है जो कि किसी को भी, हम बोलते हैं ना कि भाई ये खुशकिस्मती है बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो सिल्वर स्पून की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो कि किसी के भी हाथ में सिल्वर स्पून दे सकती है, राइट? तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और ये जितने भी लीडर्स आप देख रहे हैं पैनल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, राइट? और इन्होंने प्रूव किया है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी प्रूव किया, और हम इनके आभारी हैं इस चीज के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दीपक जी आपसे, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल चैलेंजेस और सारी चीजों के बाद आप एक रोल मॉडल है दुनिया के लिए, आप बताइए कि आपने कहां से सफर शुरू किया और आज आप कहां है, इस समय कहां पर है, डायरेक्ट सेलिंग की क्या आपका महत्व रहा आपकी लाइफ में और कैसे इसने आपकी लाइफ को चेंज किया और आगे आप क्या देखते हैं, अपना फ्यूचर क्या एनविजन करते हैं आप इसमें? तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको और चेतन जी अभिषेक जी को जिन्होंने ये सीरीज स्टार्ट की, और इससे पूरी इंडस्ट्री को इतना ज़बरदस्त फायदा हो रहा है क्योंकि एक स्टार्टिंग से सभी अब जो लोग हैं पैनलिस्ट हैं, इससे पहले कंपनी के एमडीज आए और उससे पहले सभी जो है लीडर्स इस इंडस्ट्री के जो इसको लीड कर रहे हैं एक तरह से, वो सभी लोगों के हमने विचार सारी चीज़ सुनी, तो इस बहुत बड़ा विजन लोगों का क्लियर हुआ है इस सीरीज से, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और बहुत बड़ा काम आपने इस इंडस्ट्री के लिए किया है। तो सबसे पहले तो सभी मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सभी कंपनी के, चाहे वो आईडीएसए से हो या नॉन आईडीएसए से हो, उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं बताऊं आपको, 2000 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए आईटी प्रोफेशनल, और मैंने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किए, फिर धीरे धीरे चेन उसकी शुरू की और लाइफ चल रही थी ठीक है, मतलब नॉर्मल लाइफ जिसे हम बोल सकते थे, और बहुत सारा कंपटीशन भी था, सारी चीजें थी, तो वही एक सुबह निकलना, शाम को अपने घर वापस जाना, संडे को अपना थोड़ा सा फैमिली वर्क और उसके साथ टाइम बिताना, नॉर्मल लाइफ थी।
लेकिन 2006 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग को नजदीक से जानने का मौका मिला। उससे पहले भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा, मैंने इंटरेस्टेड नहीं लिया क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत डीप उसको कर रहा था। तो जब मैंने देखा वहां पर इस इंडस्ट्री को कि यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये मुझे फील हुआ, तो मैंने डिसीजन लिया कि इसको पार्ट टाइम करते हैं। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करना किया, शुरू किया। इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती थी संडे की, तो वहां पर मैं मीटिंग्स करना शुरू किया, तो अर्निंग भी होनी शुरू हुई और धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा मुझे फेथ इसके ऊपर हो गया कि वाकई में ये इंडस्ट्री है जहां पर सपने पूरे हो सकते हैं। एक्चुअली पहले किसी भी प्रोफेशन में कोई सपने देखना नहीं सिखाता, तो ये ही एक ऐसा था जहां पर सपनों के बारे में बात होती थी, ड्रीम्स के बारे में बात होती थी। तो उस टाइम मैंने, जो आपने अभी जिक्र किया 72 ड्रीम्स का, तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि आप एक ड्रीम लिस्ट बनाओ। तो थोड़े दिन तो मैंने इग्नोर किया उनको, लेकिन जब उन्होंने 2-3 बार मुझे बोला, मैंने नहीं चलो बनाते हैं, तो एक दिन मैं बैठा और पूरा जितना मैं सोच सकता था, मुझे ये चाहिए लाइफ में, मुझे ये चाहिए, वो सब मैंने नोट डाउन किया। और 73 नंबर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, और उसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया तो थोड़े से चैलेंजेस आए। चैलेंजेस क्या, टीम साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, और टीम साइज जब बड़ा हुआ तो डिमांड आने लगी, सर हमें यहाँ पर आपकी मीटिंग चाहिए, वहां चाहिए। तो जब मैं घर से निकलता था तो मेरे पास क्या, फोर व्हीलर नहीं था। रीजन क्या था, उतनी इनकम नहीं थी कि हम फोर व्हीलर मैनेज कर दें, क्योंकि फोर व्हीलर के साथ साथ मुझे ड्राइवर भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी। तो घर से 1 किलोमीटर रोड आती थी, वहां पर मैंने ऑटो पकड़ा, फिर बस पकड़ा, और कई बार बस की जो स्टेयर होती थी वो थोड़ा ज्यादा ऊंची होती थी, तो मैं पहले रिक्शा को बुलाता था, रिक्शा में बैठ करके फिर बस के अंदर जाता था। तो ट्रैवलिंग स्टार्ट की, चैलेंजेस आए बहुत सारे। तो फिर एक टाइम ये आया कि मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में फुल टाइम आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसको पार्ट टाइम में करना इसके साथ नाइंसाफी होगी और अपने साथ भी। तो मैंने घर पर डिस्कस किया, अपने दोस्तों से डिस्कस किया, तो सभी का एक आंसर था कि पहले तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है नहीं, और लोग उस टाइम इसको इंडस्ट्री नहीं मानते थे। आज की डेट में बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन उस टाइम पॉन्जी स्कीम और ये सब था बहुत ज्यादा, तो उस टाइम इसको लोग ऐसे सोचते थे, मेंबर बनाओ स्कीम, और ये आपके लेवल का काम नहीं, आप एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हो और ये सारा कुछ है, ये सब आपके काम मतलब का नहीं है। उन लोगों को नहीं पता था इसका पोटेंशियल, और सबसे ज्यादा वो इस बात से वरीड थे, सब वेलविशर ही थे मेरे, वो इस चीज से थे कि मैं फिजिकली जैसे चैलेंजेस हैं तो कैसे ट्रेवल करेंगे, कैसे लोगों के पास जाएंगे, इसमें जाना आना पड़ेगा, दूसरे सिटीज में जाना पड़ेगा, तो कैसे करोगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो वही ठीक है, ये आप ड्रॉप कर दो आइडिया। बट मैं इसकी पावर समझ चुका था, तो मैंने एक टफ डिसीजन लिया। टफ डिसीजन ये कि इंस्टीट्यूट को बिल्कुल ही बंद करने का डिसीजन मैंने लिया। तो मेरे 3 इंस्टीट्यूट थे, और तीनों के तीनों मैंने बिल्कुल शट डाउन किया उनको, और फैमिली में भी बहुत सारे लोगों ने काफी नाराज भी हुए कि ये आप क्या कर रहे हो, बने बनाए बिजनेस को, चलते हो रनिंग बिजनेस को, सक्सेसफुली जो चल रहा था उस टाइम मैंने उसको बंद किया, और फुल टाइम मैंने प्लान किया कि मुझे इसमें काम करना है। तो मैंने वर्किंग जब स्टार्ट करी तो छोटे छोटे चैलेंजेस थे, क्योंकि मैं कभी प्रॉब्लम नहीं मानता सर, कोई भी चीज आता ना, बहुत से लोग कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम को हमेशा चैलेंज की तरह से लेता हूं कि मुझे उसको जो है एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहला चैलेंज वही था जैसे आपने बताया कि जब टीम साइज बड़ा हुआ तो मुझे स्टेज पर जाकर के प्लान शेयर करना था, प्रेजेंटेशन देनी थी, तो चेयर पे बैठ के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं 10-15 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले मैं बैसाखी से चलता था लगा करके। तो मैंने प्रैक्टिस करी, पहले एक बैसाखी हटाई, एक स्टिक ली, और मैं बस में भी ट्रैवल करता था, सीट होने के बावजूद मैं बैठता नहीं था, मैं खड़ा करता, लोग बोलते थे सर आप बैठो, भैया बैठ जाओ, मैं नहीं बैठता था। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, 1 घंटा 2 घंटा खड़ा होने की, और आज की डेट में सर मैं 6 से 8 घंटे की वर्कशॉप लेता हूँ, और जो लंच ब्रेक होता है मैं उसमें भी नहीं बैठता, मैं खड़ा होकर के ही लंच करता हूँ। लोग कहते हैं सर अब तो बैठ जाओ, मेरे नहीं, तो पूरा दिन मैं खड़ा होकर के प्रेजेंटेशन लेता हूँ, 2-2, 3-3 दिन की मेरी वर्कशॉप होती है। तो वो सब क्या हुआ, प्रैक्टिस की, और मैंने कहा पॉसिबल है यदि ठान लिया जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये था कि जब हम फील्ड में जाते थे तो किसी का ऑफिस 2nd फ्लोर पे है, किसी का घर 3rd फ्लोर पे है, तो बैसाखी से बगल में लगा करके आप स्टेयर नहीं चढ़ सकते, 3-4 स्टेयर किसी तरह से हेल्प करके आप बस बस में वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 1st फ्लोर 2nd फ्लोर वो पॉसिबल नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, ये स्टिक उठाएंगे, तो एक मेरी जो स्टिक है, हितेश उठाएंगे जरा स्टिक उठाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा,
बैसाखी की जगह फिर मैंने एक टेक्निक लगाई कि स्टेयर पे कैसे चढ़ सकते हैं, तो ये जो स्टिक है ये हाथ में आ जाती है, तो इससे मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस की, क्योंकि पैर जो है उसमें कैलिपर होता है तो उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मैंने जंप लगाने की प्रैक्टिस की कि मैं हवा में जंप लगाऊंगा और नेक्स्ट स्टेप, फिर हवा में जंप लगाऊंगा नेक्स्ट स्टेप, तो आप सोच के देखिए हल्का सा भी हुआ तो पीछे जा सकता हूं। तो वो प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त तरह से की कि आज मैं 4 मंजिल 5 मंजिल कितने भी फ्लोर हूं कोई मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होती और मैं उसको जो है जाके करता हूं। तो आज ये मैंने करना शुरू किया और अकेले ट्रेवल में करता था, जैसे अभी शुरुआत जब हुई तो कुछ लोग पंजाब में मेरे साथ आए बिजनेस में, तो ट्रेन से जाना, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह एकदम से 3 पे अनाउंसमेंट हो गया, तो उस टाइम क्या करें, तो कुली को पकड़ा, भाई तू सामान लेके पहुंच, मैं फ्लाईओवर से, तो वो सब चीजें थी, बट कितनी भी प्रॉब्लम हो मैंने आज तक अपनी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज आपकी क्या स्थिति है। आज स्थिति है सर, वो सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और छोटे छोटे चैलेंजेस की वजह से वो क्विट कर जाते हैं, लेकिन आप फोकस लिए टाइम से आप इसको करते रहें और तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। सर आज मेरे पास जो मैंने ड्रीम्स बनाए थे वो सब फुलफिल किए हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहा हूं और अपने साथ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज लगभग 17 कंट्री में इस इंडस्ट्री से घूम के आ चुका हूं अपनी टीम के साथ, फैमिली के साथ में, करंट जो कंपनी है उससे 12 कंट्री हम लोग अभी होके आ चुके हैं, तो अच्छी एक अच्छी लग्जरी कार है, घर है, तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लाइफ की जो फाइनेंशियल उसकी बात करें तो वो सब कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम आज की डेट में। तो आज हम लोग जो है टैग्स नहीं देखते हैं किसी चीज के कि ये इतने का है वो है ना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन जो वो चाहे वो कर सकते हैं, तो ये सब पॉसिबल हुआ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। लेकिन इससे पहले क्या था, हर चीज के लिए हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, राइट। तो जो भी चीज हमें चाहिए थी मनपसंद नहीं लेते थे, वो जो बजट में थी उसको लेते थे, लेकिन आज की डेट में जो हमें अच्छा लगता है वो परचेस कर सकते हैं। तो सर ये जो चीजें आई हैं ये ऐसे ही नहीं आई हैं, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है, इसमें किसी भी प्रोफाइल का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, हर एक किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से, कहीं से भी हो, ये इसमें कुछ भी डिपेंड नहीं करता, इसमें सिर्फ आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो इतना बड़ा स्कोप है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात एक ही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपने कंपनी सिलेक्ट करते वक्त सबसे मेन चीज है कि आप स्कीम में जुड़ रहे हैं या एक कंपनी में, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक जैसे होता है ना एक टैप वाटर होता है और उसमें हम आरओ लगा देते हैं तो उससे क्या होता है सब फिल्टर हो जाता है गंदगी, राइट। तो वो जो एक आरओ का जो काम किया है वो आईडीएसए ने किया है, तो आज जो हजारों कंपनियां चल रही हैं या हजारों स्कीम्स ये सब चल रही हैं, तो आप इतना अच्छा काम आईडीएसए ने किया कि आज दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये 21 कंपनियां हैं, ये एक आईडीएसए के अंदर है, जो पसंद हो जो कंफर्टेबल हो उसमें आप काम करिए, आपकी जनरेशंस के लिए ये काम होगा, राइट सर। तो ये मुझे क्लियर था और ये मैंने डिसीजन लिया और इसी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बाकी दीपक जी सिर्फ एक ड्रीम बताइए जी, सिर्फ एक ड्रीम बताइए भविष्य में क्या देखते हैं, जो आपका कोर ड्रीम है बस, बाकी आगे। मेरा कोर ड्रीम ये है सर, मुझे मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरी टीम में हजारों लोग जो हैं जो लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ उसको वो जिए, मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री है जब आप दूसरों को आप आगे बढ़ाते हैं तो आप खुद आगे बढ़ते हैं। तो ये कोर इंडस्ट्री का कोर यही पर है, और बहुत जबरदस्त आपने बताया कि किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम करके आपने सक्सेस हासिल किया। और हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुणाल जी की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि कुणाल जी जैसा एक फिजिकल चैलेंजेस एक चैलेंजेस है, लेकिन एक और चैलेंज इंडस्ट्री में हमेशा हम शुरू से सुनते आते थे कि बिल्ड दिस बिजनेस इन बिग सिटीज, कहीं ना कहीं वो शायद सच भी हो या जैसा भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत छोटी, जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो सिरसा भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, और सिरसा के अंदर भी आप एक मंडी दुकान छोटे गांव से आते हैं, छोटी जगह से निकल के आपने इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया, ये किस तरीके से, मतलब क्या वहीं पर आपने सक्सेस हासिल किया, बाहर निकले कैसे किया, तो ये भी हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छोटी जगह से बिलोंग करता है, एक
छोटे गांव से बिलोंग करता है, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए भी है? आपसे ज्यादा है कोई नहीं बता सकता, तो कुणाल जी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखिए बात छोटे या बड़े की नहीं है, बात यह है कि आप चाहते क्या है। अगर आप आपके अंदर चाहत है तो आप हर सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं एक छोटे से कस्बे की बात करूंगा, मैं डबली से बिलोंग करता हूँ। सो बचपन में मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को फेस करना पड़ा फैमिली के, सो इस वजह से मैंने बहुत जल्दी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने अपनी जो स्टडी थी उसको मैंने फर्दर प्राइवेट कंटिन्यू किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट किया। इन बिटवीन मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बताया। ये तब की बात है, 2004-5 की बात है, 4 की बात है, जब प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जो थी काफी बूम पे थी। सो उस समय मुझे मौका मिला अपने शहर से बाहर निकलने का। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें एज ए एडवाइजर करियर शुरू कर सकते हो और टारगेट्स पूरा करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। सो मैंने कुछ नहीं सोचा, अपना चलता हुआ बिजनेस जो था, हमारी एक शॉप थी वो मैंने बंद कर दी। वहां पे बहुत बड़ा मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपना 2005 में मैंने एज ए एडवाइजर अपना करियर शुरू किया। मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और मुझे वहां पे उसके बाद मुझे जॉब भी मिली और मैंने एक एक साल में दो दो बार प्रमोशन भी लिया। सो मैं इसको कोइंसिडेंस बोलूंगा या लकीली, मतलब ईश्वर चाहते थे कि मैं 2009 की बात है, आई वॉज वर्किंग इन बजाज एलियंस एज एन ब्रांच मैनेजर। सो उस टाइम मैं ऑल्टरनेट चैनल में था, तो वहां पे मेरा टाइप था डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ। तो वहां से मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो था वो पता चला कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बिना इन्वेस्टमेंट के आदमी करोड़पति बन सकता है। तो वहां से मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता लगी। लेकिन चैलेंज अगेन वही रहता है कि एक एथिकल कंपनी को चूज करना और दूसरी बात सबसे जरूरी चीज डिसीजन लेना। तो मैंने फाइनली 2012 को मैंने डिसीजन लिया। हालांकि डिसीजन तो मैं उससे पहले भी लेना चाहता था, ये 2009-10 की बात है। शायद आपको याद होगा तब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, शेयर मार्केट एकदम से डाउन आ गई थी, तो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी। उस समय मैंने देखी थी डायरेक्ट सेलिंग की पावर कि जब मार्केट के अंदर क्राइसिस है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, तो मुझे उस समय उसे देख के बहुत अच्छा लगा था। तो मैं तभी उसको छोड़ना चाह रहा था, लेकिन घर वाले भी छोड़ने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर नौकरी नहीं होगी तो अच्छी शादी नहीं हो पाएगी। तो मैं इस चीज में थोड़ा सा वो रहा। सो फाइनली जनवरी 2012 में मेरी शादी हुई। मुझे शादी की इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी ये थी कि चलो फाइनली मैं वो डिसीजन ले पाऊंगा जो मुझे लेना है। तो शादी के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना है। ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी और लॉ ग्रेजुएट था, अच्छी बैकग्राउंड थी, अच्छी जॉब थी। तो सारे घर वाले और इनफैक्ट सारे जो मेरे जान पहचान वाले थे वो सब जो थे मेरे से दूर हो गए थे, मुझे गलत बोल रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर उनके बारे में सोच रहा था कि ये बेचारों को क्या पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था। सो मैंने मार्केट का सर्वे किया और फाइनली मैंने एक अच्छी कंपनी चूज करी और 6 दिसंबर 2012 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया। और आज मुझे लगभग सक्सेसफुली मुझे 8 साल हो गए हैं। बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियां, फॉरेन टूर्स, ये सब चीजें मिली। लेकिन इन चीजों के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मैंने डिसीजन तो लिया एक अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आने का। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी दीपक जी ने अपने बताया, मुझे भी एक फिजिकल चैलेंज था। मुझे स्टमक में अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी मुझे, जिसकी वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। सो इनिशियली जब मैं ट्रेन में जाना शुरू किया तो शुरू में तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मैं कई बार जनरल ट्रेन में भी गया, स्लीपर में भी गया, डे नाइट मेहनत करी मैंने। और उस समय वहां पे वॉशरूम्स अच्छे नहीं होते थे, मैं कई बार 24 घंटे जस्ट एक बिस्किट का पैकेट खा के भी निकालता था कि तब क्यों मैं अगर खाऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उस टाइम, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं डे नाइट मैंने मेहनत करी और आज जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लेवल पे और एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करता हूँ। ग्रेट से ग्रेट, और आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया, क्योंकि बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स और बैचलर्स हैं जो बिजनेस में हैं। तो कुणाल जी ने आपको बता दिया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, शादी अच्छी खासी शादी हो जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग में भी होंगे, उसके लिए जॉब की जरूरत नहीं है। कुणाल जी की बातों से एक और चीज निकल के आती है, मंडी डब्बाली, जहां तक मुझे ध्यान है मंडी डब्बाली बहुत फेमस है, जो आर्मी की पुरानी जीप्स होती है उनको मॉडिफाई करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, वहां पे हमें आर्मी की जीप्स जी, मंडी डब्बाली मेरे को याद है, वहाँ आर्मी की पुरानी जीप्स को मॉडिफाई करके नया बनाया जाता है और मंडी डब्बाली ने कुणाल जी को भी मॉडिफाई, एक लॉयर को मॉडिफाई करके यहाँ एक डायरेक्ट सेलर का लीडर बना दिया। सर आज आप देखिए, मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो जो लॉयर्स हैं वो भी घर पे बैठे हुए हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले कुछ लॉयर्स की पूरी टीम को मैंने ज्वाइन किया।
तो बहुत सारे मतलब आप देखो कि कौन सी इंडस्ट्री है आज के डेट के अंदर, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और कौन सी, यही इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर रही है। Exactly. किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा। तो अगर आप मैं करंट अपनी करंट पोजीशन की बात करूं तो एक्चुअली आई मस्ट से कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर को एंजॉय कर रहा हूं एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। वाओ सर, वाओ, ब्यूटीफुल। मूविंग ऑन, वी मूव टू प्रोफेशनल्स और डॉक्टर प्रणव से हम बात करेंगे, क्योंकि जनरली जैसे एक ये मिथ है, अवधारणा है कि छोटी जगहों से डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलती है, वैसी एक अवधारणा ये भी है कि अगर कोई सेट है लाइफ में अपनी, मतलब इफ समवन इज समवन हैज अ फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, तो उन्हें जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, और डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत उनको है जो कि शायद अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप अभी भी बहुत सारे लोग आपको भी मिलते होंगे जो बोलते हैं जी मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, इसको अपने साथ लगा लो, है ना। तो ये जनरली माइंडसेट लोगों का है। तो डॉक्टर साहब आपसे ही हम जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रणव, कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी, क्या चीजें ऐसी थी जिन्होंने आपको प्रोपेल किया डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के लिए, और कैसा आपका सफर रहा इसमें? थैंक यू चेतन जी, थैंक यू डॉक्टर कमल। मेरा जर्नी का स्टार्टिंग के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं, बट मैंने चूज नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को चूज किया। एक्चुअली कॉलेज में मेरा एक जूनियर हुआ करता था जो डॉक्टर कुमार, जो आज मेरा सीनियर है, उन्होंने मेरे को फोर्सफुली बहुत दिन बोलते रहे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बट ना कंपनी के बारे में बोला, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना प्लान के बारे में, कुछ भी नहीं बोला, ओनली भैया जोड़ना है जोड़ना है। तो एक दिन जबरदस्ती मेरे से कुछ पैसा लिया, नेक्स्ट दिन मेरे को जोड़ दिया, ये कंपनी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। तो ना कोई प्लान, मेरे जबरदस्ती ज्वाइनिंग हो गया। तो उसके बाद मेरे को कुछ प्रोडक्ट दिया, मैं यूज किया, फैमिली में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। उसके बाद भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरा फादर नेटवर्क मार्केटिंग में थे, वहां पर से मेरा कुछ बेटर एक्सपीरियंस भी हुआ था, तो इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को आगे लेके जाने का कोई सोचने मेरा नहीं था। प्रोडक्ट यूज करता था, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रमोट करता था। इसके बाद आफ्टर टू ईयर्स एक मलेशिया से स्पेशल ट्रेनर आया, 2 दिन का ट्रेनिंग था, तो पॉजिटिव ट्रेनिंग होता है, तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग में ज्वाइन किया। उस 2 दिन का ट्रेनिंग में मेरे को इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता चला, पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चला, तब मेरे को देखा कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो भी जिस प्रोफेशन में, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, जो भी है, हर प्रोफेशन में जो शुरुआत है उसके बाद मनी तो स्टेप बाय स्टेप आता है, लेकिन जितना ही मनी का पैरामीटर ऊपर जाता है, टाइम का पैरामीटर नीचे जाता है, बैलेंस नहीं होता है जिंदगी में। सो जिंदगी में अगर बैलेंस करना है आपको, कोई भी दुकानदार है, दुकान चालू करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका दुकान तो आगे जाता है और उसका टाइम, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। हर प्रोफेशन में जो भी सक्सेसफुल है उसका पर्सनल लाइफ उतना अच्छा नहीं होता है। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी के लिए ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें आप जिंदगी को बैलेंस कर सकते हो, टाइम एंड मनी इसको बैलेंस कर सकते हो, आप आपका जिंदगी का बेस्ट वर्जन एंजॉय कर सकते हो। इसलिए हर प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशन में है, मैं हर किसी को बोलूंगा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, ये दिस द राइट टाइम आपको चूज करने का, क्योंकि एक डॉक्टर के पास मनी होता है, उसका कार का स्टेटस भी चेंज होता है, लेकिन उस कार से वो फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करता है, एवरी डे अपना ड्यूटी में रहता है। तो एक बार ह्यूमन बींग जो हम लोग दुनिया पे जो आते हैं, इसका हम लोग किस लिए आते हैं, मनी अर्न करने के लिए? नहीं, मनी अर्न करना हम लोगों को जिंदगी में जरूरत है, जिंदगी को बेटर बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है जिंदगी में मनी अर्न करते ही रहते 60 साल के बाद पता चलता है जिंदगी कैसे जिया। ये हर प्रोफेशनल का प्रॉब्लम होता है। तो मैं प्रोफेशनल को थोड़ा ओपन माइंड अभी भी हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिंदगी में बैलेंस करना है तो डायरेक्ट सेलिंग को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, आपकी कुछ एक अचीवमेंट हमें बताएं, और आप कहां देखते हैं अपने आप को 5 ईयर डाउन द लाइन, मींस वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मैंने स्टार्ट तो किया था कॉलेज लाइफ से, पार्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद डिसीजन लिया। उसके बाद मेरा लाइफ में एक चैलेंजेस आया, एक दिन मेरा रोड में एक्सीडेंट हुआ, तब भी मैं प्रैक्टिस भी चल रहा था और उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी चल रहा था। तो एक रोड एक्सीडेंट में मेरा राइट हैंड ये रिस्ट में टूट गया। उसके बाद 3 महीना मेरे को घर में रहना पड़ा, और उस टाइम जो 3 महीने पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो 3 महीने में जो घर में रहा, उस टाइम मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, तब मेरे को पैसिव इनकम ये सारी चीज मेरे को दिखा, तब मैंने फुल फ्लेज में स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी में मैं एक प्राउड एम्बेसडर हूँ, स्टार्ट किया था बंगाल के एक पार्ट से, आज इंडिया में काफी सारे स्टेट में फैल रहा हूँ। और एक चीज, पहले जो ट्रेनिंग में हम लोग सुनते थे, सेमिनार में सीनियर लोग बोलते थे आप एक बिजनेस में आगे जाओ तो आपका
ब्रेकफास्ट होगा कैलकाटा में, लंच होगा दिल्ली में, इस तरह की। तो स्टेप बाय स्टेप जब ग्रो किया, बंगाल का सेटअप अच्छा हो गया, बंगाल में बहुत सारे अच्छे लीडर मेरे साथ थे जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते, बहुत इंडिपेंडेंट लीडर है। तो उसके बाद जब ऑल इंडिया स्टार्ट किया तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैलकाटा, दोपहर का लंच दिल्ली में और डिनर मुंबई में, इस तरह की भी जिंदगी लास्ट फ्यू ईयर्स जी रहे। ड्यू टू लॉकडाउन अभी घर के खाना हर टाइम मिल रहा है और क्वारंटीन, और जो जिंदगी में ड्रीम होता है छोटा छोटा, बहुत सारे गोल अचीव किया। और आप तो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, ड्रीम का एक किरार रहता है, एक अचीव होता है तो उसके बाद और एक आ जाता है। चलो परफेक्ट, फ्यूचर प्लान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जैसा आपसे हो रहा है। और मेन जो अभी जो फोकस है, अभी जो जिस चीज पे फोकस है वो है, देखिए न्यू नॉर्मल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थोड़ा चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया न्यू नॉर्मल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करने का सारी चीज। सो इसका एक साइंटिफिक ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम जिसको आने वाला पीढ़ी को दे जाए, जिसमें बहुत जल्दी लोगों को सक्सेस मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग का मेन फोकस है। परफेक्ट सर, थैंक यू। और आपने बड़ी सारी चीजें कवर कर ली, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, सिक्योरिटी। और अब हम बात करेंगे रजत जी के साथ। और 19 रुपए से सफर शुरू किया रजत जी आपने, और आज अपनी कंपनी के टॉप अचीवर है, और इतने यंग आप दिखते हैं अभी भी, ऐसा है भी आप यंग ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने यंग है आप हैं उससे ज्यादा यंग दिखते हैं। तो कैसा डायरेक्ट सेलिंग का क्या सफर आपका रहा, और सिक्योरिटीज क्या आप मतलब बाकी पैनलिस्ट से जो इन्होंने बातें की हैं उसके साथ क्या आप मतलब अलाइनमेंट रखते हैं कि हाँ सिक्योरिटी, डेट, पैसिव इनकम, ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग देती हैं, यूथ के लिए स्पेशली क्या मैसेज आप देंगे? चलिए, थैंक यू सो मच कमलनाथ सर और अभिषेक जी और चेतन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे जितने लीडर हैं मेरे साथ में, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने इस बिजनेस को जो आया, अभी जैसे कि बात हो रहा था, प्रणब दादा ने बोल रहे थे और दीपक जी ने भी बोले, सारे लोग बोले, लगभग सुरक्षा के ऊपर सारे लोगों का बात हुआ। आप अगर स्पेशली देखेंगे, मुझे लग रहा है इसी के लिए ही इस बिजनेस में मैंने आया था। एक छोटे समय से ना एक इंसिडेंट मैंने देखा था कि मेरे एक दूर की चाचा है, उनकी कम एज में उनकी देहांत हो गया, तो उनके जो फैमिली में लोग थे, उनकी जो फैमिली में थे, उनकी 5 बहन थे, उनकी जो फैमिली थे, इनके देहांत होने के बाद में उनकी जो फैमिली है फाइनेंशियली एकदम बिखर गया। तो वो चीज मैंने जब देखा, दो चीज उस समय बड़े छोटे 7 साल एज में मुझे समझ में आया था कि पैसा बहुत जरूरी है और पैसा के साथ साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा कोई काम होना चाहिए जहां पे पैसा भी हो और सुरक्षा भी हो। उसी एज से मेरे माइंड में ये चलते गया कि ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आनी चाहिए जिसमें खूब पैसा हो, और 4-5 साल काम करने के बाद में काम ना भी करे तब भी पैसा आते रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनका फैमिली को क्लोज नहीं देखा था। तो मैंने फिर कॉलेज में पढ़ाई किया, मैंने उसके साथ में ट्यूशन किया, मैंने प्राइवेट जॉब किया। उसी समय मेरे जो फ्रेंड है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग की इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में डाले, ये मॉड्यूल के बारे में बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो छोटे समय से ढूंढ ही रहा था कि ऐसे कोई काम आए जिस काम में काम कुछ दिन काम करने के बाद में काम भी ना करना पड़े और पैसा आते रहे। सुरक्षा और पैसा, दो चीज मेरी फोकस में चल रहा था। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के बारे में जो बात हुआ, तो उस समय मैंने ढूंढना चालू किया कि कौन डायरेक्ट सेलिंग है जिसमें मैं करियर बनाऊं। और यहां पे मैं थैंक्स करना चाहूंगा आईडीएससी को। मैं आईडीएससी के पेज से पहले कंपनी ढूंढा था, सारी कंपनी मेरे नजर में आती है कि इसको करूं कि इसके साथ में ज्वाइन करूं कि इसके साथ में ज्वाइन करूं, उसी से मेरा कंपनी मुझे मिला है। तो थैंक्स करना चाहूंगा मैं आईडीएससी को कि आपके कारण मैंने अच्छी कंपनी ढूंढ पाया। उसके बाद में मैंने इस बिजनेस चालू किया। उस समय लगातार जब चालू किया मैंने रुका नहीं, पीछे नहीं दिखा, एक ही लक्ष्य था कि जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में हाईएस्ट लेवल पे जाए। पागलों जैसा मैं काम कर रहा था, दीवाना था, रात दिन एक करता था, अगर दिन भर प्लान दिखाता था, अगर मेरे को मजा नहीं आया तो रात में जाके स्टेशन में भी बैठ के प्लान दिखाता था। एक ही लक्ष्य था कि प्लान 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 प्लान, और मैंने आगे बढ़ते गया कंपनी की टॉप अचीवर बना, और कंपनी की आज मैं कंपनी की सम्मानजनक जो एक अलग पोस्ट मेरे लिए बनाया गया कंपनी की एमडी साहब ने दिए है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, और आज आप लोगों के सामने बैठ के मैं बात कर पा रहा हूं। ये थोड़ा सा जर्नी रहा, अचीवमेंट की बात हो रहा है, मैं बड़ा भावुक होकर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। मेरा अहंग भाव ये ना समझे कि आज इस बिजनेस से मुझे, मैं अभी 2 मर्सिडीज मेरे पास में है,
अब सोच सकते हैं मेरे पास में ऑप्शन होता है सुबह इस मर्सिडीज में मैं जाऊं उस मर्सिडीज में जाऊं, 1 करोड़ की ऊपर की मर्सिडीज है उसमें मैं चलता हूं आज के रेट में, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। 5 बंगला मेरे पास में है जो मैं राउरकेला में जिस बंगले से अभी जहां पे मैं बात कर रहा हूं उसकी मिनिमम कॉस्ट वर्तमान मार्केट रेट में 2 करोड़ की होगा। मैं फिर क्षमा चाहता हूं, मैं इसीलिए ये सब चीज बता रहा हूं कि एक आम व्यक्ति को समझ में आया कि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, ये मेरा अहंग भाव ना समझे। भुवनेश्वर में मेरे पास में 2 बंगले हैं तो, और मैं जो भी प्रॉपर्टी लेता हूं वो सारे प्रीमियम कैटेगरी का मैं लेता हूं, बैंक बैलेंस है, फॉरेन ट्रिप है, मतलब लाइफ में इस एज में, मतलब मैं जिस एज में हूं जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोल रहे थे उस एज में गाड़ी घर मान सम्मान पैसा सब कुछ मेरे को इस बिजनेस में आज मिला है, भगवान की कृपा है और मेरी कंपनी की साथ है, ऑफलाइन के साथ में है और सारे लोगों की शुभकामना है। और मेरा जो टारगेट है मैं थोड़ी सी स्पीड में आपको लूंगा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बोलना है, अभी की जो टारगेट है लॉकडाउन में ना एक स्पेशल टारगेट मेरा सर बना है डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा ये लॉकडाउन में ना एक चीज बड़ा व्यथित किया मुझे, वो है कि बेरोजगारी बढ़ गई। मैं बड़ा भावुक हूं तो उसको मैं देखता हूं, यहां पे लोग नौकरी जा रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, तो अभी मेरा जो फोकस है 5 साल आगे की जो मेरा मैं फोकस देख पा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से रोजगार देना ये मेरा टारगेट है, उसके लिए कुछ भी किया जाएगा तो हम करने के लिए रेडी हैं। सेकंड 5 साल यानी कि 2025 में मेरा टारगेट है कम से कम 1 लाख लोगों को 1 लाख से ऊपर की इनकम में मुझे पहुंचाना है। इसी टारगेट के साथ में लगातार पागलों जैसा, जैसा स्टार्टिंग में बहुत समय होता है क्या ना, स्टार्टिंग में बहुत जोश में काम करते हैं उसके बाद में जोश कम हो जाता है, मेरा और जोश बढ़ रहा है। अभी मैं खुद के लिए काम किया, अभी लोगों के लिए काम करूंगा और बहुत आगे बढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया, आपका जो पैशन है वो दिखाई भी दे रहा है, आपके शब्दों में भी दिखाई दे रहा है। और ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आत्मा ही यही है कि दूसरों के लिए काम किया जाए तो अपना काम खुद ही हो जाता है, मतलब ये तो हमेशा हम लोग ये जानते ही हैं। और आप ये भी बताना जरूरी है, रजत जी शायद खुद कहने में संकोच कर रहे हैं पर डायरेक्ट सेलिंग जो है इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनकी बातों से भी समझ में आता है और जितना हम इनको जानते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल, ये देखिए इसको अगर आप एक क्विक मनी मेकिंग बिजनेस समझेंगे तो वो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। ये बिजनेस मेहनत का बिजनेस है, आपको बिल्कुल जुझारू रूप से इसमें लगना पड़ेगा, फुल टाइम पार्ट टाइम जैसा आप करना चाहेंगे आपके ऊपर है, रिजल्ट उसी हिसाब से डिपेंड करेंगे बट मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये आज हमारे यहाँ जितने लीडर बैठे हैं आई एम श्योर ये मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे, ये बिजनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिना इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी शुरू करने की, पर ये बिजनेस आपको मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं देता। यहाँ मौजूद एक एक लीडर ने बहुत मेहनत करी है, जमीन से उठ के आए हैं। रजत जी की बात करूं, उड़ीसा से निकला एक व्यक्ति पंजाब की एक कंपनी के साथ काम करके आज हिंदुस्तान में टॉप लीडर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने किस हद तक मेहनत करी होगी। या कुणाल जी मंडी डपाली से निकले एक व्यक्ति ने आज हिंदुस्तान में एक आयुर्वेदिक कंपनी के अंदर अपनी जगह बनाई है, या दीपक जी या प्रणय जी या डॉक्टर प्रोफेसर वासुकलैया, तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, अगर कोई मेरे से पूछेगा 3 सक्सेस रूल्स क्या है डायरेक्ट सेलिंग के, हार्डवर्क और हार्डवर्क। चलो बहुत वेरी वेरी एप्टली सेड, बिकॉज जनरली व्हाट वी सी इज कि कई बार लोग थोड़े से बोलते हैं यार गाड़ियां बंगला ये है फ्लैशी लाइफ देख के हो जाते हैं, और बाद में जब वो फिर यहाँ पर उन्हें समझ में आता है कि भाई ये काम करना पड़ेगा इसके अंदर, तो फिर लोगों को थोड़ा सा द बैक ट्रैक। तो जितना भी सक्सेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिन रात एक किए हैं बिजनेस के लिए। ये वैसे ही 2 बंगले 5 बंगले वैसे ही मर्सिडीज 1 करोड़ की नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन मैं ये हमेशा मेंटेन करता हूं कि जितने कम लागत के अंदर, चाहे वो पैसे की लागत हो चाहे वो समय की लागत हो, जितनी कम लागत के अंदर जितने बड़े रिवॉर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकते हैं उतने शायद ट्रेडिशनल बिजनेस से या किसी और जॉब से तो खैर नहीं मिल सकते बिल्कुल भी। प्रोफेसर वासु वी मूव ऑन टू यू एंड सो वी हैव लाइक क्रॉस्ड मोर देन हाफ द टाइम एंड वी आर नॉट डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एज येट, राइट? सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद द, सो प्रोफेसर वासु योर जर्नी, आपकी क्या, आपका क्या सफर रहा, एक प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको क्या जरूरत पड़ी डायरेक्ट सेलिंग की और डायरेक्ट सेलिंग में आके व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी इन योर लाइफ? वेलकम टू ऑल, थैंक्स टू IDACA, थैंक्स टू द टीम मेंबर्स,
who are today participating on in this symposium. As you know that you have rightly asked, what was the necessity after more than 3 decades of teaching economics? That too, most secured job with the government salary, central government, with a pensionable UGC salary. And wife being a medical doctor, owning a hospital in such a big city like Chennai, allopathy doctor, having more than 30-bedded hospital. What attracted you to quit all other profession and embrace the most pious direct selling industry? This is a really very emotional story of mine. While I was teaching economics, I was a gold medalist, as you know, you told. My wife is a MBBS doctor, then she specialized in general medicine, general practitioner. And with all this, we thought that we will be rich. And we will not have any financial crisis in our life because both are professionals. We made a lot of money also. Before I looked at to the direct selling industry, I was owning couple of cars, couple of land, couple of house, own nursing home, everything on. But as you know, the life cycle ups and down. Every time economy is not same. As an economist, I'm telling you now, we are seeing how such big industry can fall down like a pack of cards. How big corporate empire. We have seen the story of Mallya, to name a few. We have seen the story of Jet Airways. We have seen many corporate sector. And it can happen in the case of the private industry also, private profession also. And we were doing well. And we had enough. But I know that we don't have enough while we retire, while we are old. My children were growing. And we were missing the time. The life was miserable because we are unable to spend the time with the children and family because of running behind money. I married a doctor. As you know that doctors can bring a lot of money and I will be rich. I am not saying that my wife, deceived me, not being rich. She made enough money, couple of lakhs net income we had. But still the problem was, while I come back from college, while I want to relax, I want to go to the bed in the late night, my wife is missing. She is working in the hospital, emergency, delivery. Arre yaar, shaadi kiya hai, doctor ke saath aur hospital ke saath malum nahi. Yes, that was the life. And our children, while we were small, while baby was weeping for milk, my wife used to be in the hospital. This is what I am telling in the initial phase of our life in 1980s. I was doing a lot of business, Dr. Kamal. I was doing stock market, I was doing real estate. Harshad Mehta taught me that scam or the crisis of stock market. I should never go back again to the stock market. Not that I am nostalgic, but a lot of investment were wiped out. I was running a private finance investment company along with my professor of economics, real estate dealing, so many things. Then in 90s, while direct selling came to India, I was looking for the new areas because I was knowing direct selling as I was teaching economics and teaching marketing as one of the chapters in direct selling. I was very, you know, excited about the opportunity in the direct selling industry to be a millionaire. And those are the days in 90s, you know, very big companies like Amway and all entering in India. In the direct selling industry history, all of you are knowing. I was also excited. I was looking for the good company and budding company and emerging company so that I can be a pioneer to take it to the dizzy heights. And while DXN came to our life through my wife's classmate, medical doctor, he is also a allopathy doctor, both husband and wife doctors running the hospital in Malaysia. And he came to India taking Ganoderma, that is a DXN product. And my wife being a classmate, say no to him. We had to use the product initially. We were very excited about the result.
when no looking back, rest is the story. Rest is the history. And we worked very hard. And I decided to quit my pensionable job, UGC salary. Imagine having nearing 1 lakh net salary in those 20 years back, what was my position? You can imagine. About UGC nearing 1 lakh rupee, I quit. I took VRS because I wanted to make 10 lakhs at least per month. Before, I am too old. I started in my 50s. Now I am, I don't want to tell my age, as you know. After 20 years, how many years I am. I am happy in this late 60s. I am still working. And we built the business, direct selling, network marketing, alternative means of distribution system, MLM, what the name you call, doesn't matter, but the system works. We took it up very seriously, started working left and right and building a huge network. And today is the history. And we are the crown ambassador. And if you said, if you are going to ask me why I came to this industry, I came to this industry only to make money. Nothing but money. Money, money, money. Nothing but money. Killing money. Otherwise, there is no meaning in coming to any business. If they don't have the focus of money, they are wasting their life in direct selling. I know that being both professional, I wanted to make much bigger. Our combined income was more than 5 lakhs. It's conventional, our profession and my job. Now you can imagine, I wanted to make many times higher than that. We did. And we have everything today. I have my resort in Goa. I have my resort in Mysore. I have my resort in Bangalore. I have in my resort. I have my house in Bhopal. In many, almost most of the metropolis, I have my asset. And I will have my asset also outside India, no doubt from this industry. And you said that is first part of making money. Next part in your remaining question, I will come back. And the last point, as you said, what is my vision after 5 years? To see that where I am working, where I have built the network, where I have identified myself, my name in that industry, to take this industry at least top 10 companies in the world. Thank you, sir. Right, sir. Thank you very much, Professor Vasu. And so enlightened to hear from you and from all the panelists, actually. So this, we've just finished with the first question and we have exhausted almost all the entire time for the webinar. We have time for one more question. We'll cut it short and I resonate with you when you say that we came for money, because sometimes we have a myth and generally we find people who will say that running after money is bad, and there are people who will say money is bad. But you'll only hear this from the people, उन्हीं लोग वही लोग बोलते हैं कि पैसा बुरा है जिन लोगों के पास पैसा है नहीं. जिनके पास पैसा है वो कभी नहीं बोलते कि पैसा बुरा है. और पैसा तो अच्छा बुरा नहीं है, पैसा तो उस आदमी का करेक्टर ले लेता है जिसके हाथ में वो है. अच्छे आदमी के हाथ में पैसा है तो अच्छा है, बुरे के हाथ में है तो बुरा है. और आप बोल रहे हैं मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, और बहुत कम लोग होते हैं जो सीधी बात कर सकते हैं. और इट इज सो एप्रिशिएबल to get this from you. Deepak ji, हम फटाफट करेंगे. अब हमारे पास दो क्वेश्चन, हम बात करेंगे और दोनों क्वेश्चन में आपसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. दो सबसे क्रिटिकल आपको जो फैक्टर्स लगते हैं जिनकी, जिन्होंने दीपक कुमार सिंह को दीपक कुमार सिंह बनाया, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने जादू बिखेरा? और हम फटाफट से चाहेंगे, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हम समय लें इसमें, है ना? देखिए सर, सबसे मेन चीज ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं और वही छोटा छोटा टाइम लगाते हैं. 6 महीने उन्होंने करके देखा और उनको लगा कि यार ये दूसरे को देखते हैं, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं. लेकिन जैसे होता ना कि एक जिम में आप ज्वाइन करते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो आप आज एक्सरसाइज की, फिर आपने नेक्स्ट वीक फिर एक्सरसाइज की, आप 50 साल तक करते रहिए कभी बॉडी नहीं बनेगी. तो आपको रेगुलर कोई चीज करनी होती है, कंटिन्यूअसली के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट करना होता है. तो इस इंडस्ट्री में आना है तो पहले माइंड मेकअप करिए, आपको 3 से 5 साल आपको देना ही देना है. तो आप 5 ईयर रेगुलर आप इस इंडस्ट्री को देते हैं, फोकस के साथ आप देते हैं, तो आप सक्सेस हो सकते हैं. और मैंने वही किया. मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने रेगुलर वर्क किया, एक दिन मैंने मिस नहीं किया, चाहे कितना भी मौसम खराब हो, फिजिकल चैलेंज हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूस एफर्ट किया, इसलिए सक्सेसफुल मिला, है ना? पानी जो होता है उसको बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री उसको चाहिए होता, 99 पे नहीं होगा.
तो 100% बहुत जरूरी है और लोग यही गलती करते हैं। होता क्या है, एक सक्सेसफुल लीडर को देखते हैं, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, ये यहाँ पर गया, उसने वहां पैसा कमाया, लेकिन एक होता ना कि 11 मिनट लगते हैं मिल्क को बॉयल होने के लिए, लेकिन एक बॉइल्ड मिल्क को बॉयल होने के लिए 1 मिनट लगता है। तो वो लोग ऑलरेडी क्या है कि बॉइल्ड है, यानी ऑलरेडी ट्रेंड है, जिनको कई बार देखते हैं कि ये आ गया और इन्होंने एकदम से 10 लाख रुपए महीना ये कमाने लग गए, और नया आदमी सोचता है अभी तो मेरे को 5,000 आया, 10,000 आया, लेकिन उन्होंने देखा कि आपको अभी एक्सपीरियंस कितना है। तो पहले इसमें सीखना पड़ेगा और इस इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर बने तो उन्होंने 5 साल मेडिकल कॉलेज में दिए, उससे पहले भी वो टाइम दिया, तो तब जाकर के वो डॉक्टर बने। तो आपको नेटवर्कर बनना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप काम कर सकते हैं। तो एक ही है, कंटिन्यूअस एफर्ट, रेगुलर और फोकस के साथ में। और बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आज इसको देख रहे हैं, आज उसको, फोकस करके एक ही चीज पर आपको आगे बढ़ना है, तब आप इसको कर सकते हैं। सो आपका अगर मैं दो चीजें समझ पा रहा हूं, तो वन इज कंटीन्यूअस एफर्ट्स या परसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा कंटीन्यूअस लर्निंग और फोकस्ड एफर्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में एक ही आदमी आपको कामयाब बना सकता है, वो आप खुद हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कुणाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे दो चीजें जिन्होंने कुणाल जी को मंडी डबवाली से उठा के पूरी दुनिया में पहुंचा दिए। थैंक यू। सबसे पहली चीज तो मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो है वो है प्रायोरिटी। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो पहले महीने मुझे TDS काट के 73 रुपीज का पे उठाया, तो मैं बहुत खुश था। लोग सोच रहे थे कि यार इतनी बड़ी तू जॉब छोड़ के आया है, लेकिन तो खुश क्यों हो रहा है। मैंने सोचा मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि मैंने इतना सा बेचा है तो मुझे इतना आ गया, मैं ज्यादा करूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, सिंपल सी चीज। तो मैंने अपना दिन रात एक कर दिया, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, ये सब कुछ साइड में कर दिया। मेरी कोई भी ऐसी आदत थी, चाहे वो टीवी देखने की या मूवीज देखने की या दोस्तों के साथ पार्टीज करने की, वो मैंने सब छोड़ दिया। 5 साल मैंने अपनी अपने बच्चों के बर्थडे तक नहीं मनाए। इवन मैंने अपनी वाइफ को भी बोल दिया था कि घर की जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीजें हैं, वो आपको मैनेज करनी है और मुझे काम करना है। तो मैंने 5 से 6 साल अपनी लाइफ की प्रायोरिटी जो थी वो अपने बिजनेस को दी थी। मेरी कोई भी चीज सेकेंडरी, प्राइमरी जो था मेरी प्रायोरिटी, वो मैंने अपने बिजनेस को दी, जिस वजह से मुझे ये सक्सेस मिली। एंड दूसरी चीज थी वो है नो हेजिटेशन टू मीट पीपल। मैंने लोगों से मिलने में मैंने कभी भी शर्म नहीं करी। मैं एक अच्छे पोजीशन पे था, लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, वो मुझे जीरो से शुरू करना था। मैं वहां पे मैनेजर था, लेकिन यहाँ पे मैं जीरो था। तो मैंने एक एक आदमी से मिलना शुरू किया, मैंने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया, मैंने कैनोपी लगाई, मैंने डोर टू डोर सेलिंग किया। मैंने कभी काम करने के अंदर शर्म नहीं किया। इतना जुनून भर गया था कि कई बार क्या, मैं अपनी वाइफ के साथ भी मान लो कहीं पे जा रहा हूँ, तो जहां पे भी वो हम लोग जा रहे हैं, मैं उस व्यक्ति को भी अपना बिजनेस कंसेप्ट जो था वो बताता था। कई बार तो मेरी वाइफ जो थी मुझे बोलने शुरू कर देती थी कि यार आप जब देखो कहां पे भी शुरू हो जाते हो। तो मैंने अपनी वाइफ को बैठ के समझाया, मैंने कहा भाई भाग्यवान, ये जो हमारे घर पे जो चीजें आ रही हैं, जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वो मेरी इसी नेचर की वजह से हो रही है कि मैं हमेशा जो है अपना जो काम के प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। तो उसके बाद मेरी वाइफ ने भी समझ लिया। उसके बाद हम लोग कई बार शॉपिंग करने भी जाते, तो वो जब अपना शॉपिंग कर रही थी तो मुझे साइड से इशारा करती थी कि मेरा काम चल रहा है, आप अपना काम शुरू कर। तो ये दो चीजें, एक प्रायोरिटी, और मैंने कभी काम के अंदर शर्म नहीं करी। मैं हमेशा, इवन के यू वॉन्ट बिलीव, कभी मुझे किसी के क्रीमेशन पे भी गया हूं तो भी मैंने साइड में कोनी मार के बंदे को बात करना शुरू कर दिया कि भाई और बताओ कैसा काम चल रहा है, ठीक है। तो वहां से भी मैंने कहीं ना कहीं वो काम करने की शुरुआत कोशिश करी। तो ये दो चीजें जिसने मुझे आज इस मुकाम पे लेके आए। बहुत बढ़िया कुणाल जी, क्योंकि आपकी बात सुन के जो आप ये बात कर रहे हैं कि शर्म नहीं करनी है किसी काम में, मुझे अब्राहम लिंकन की एक बात याद आ रही है। तो अब्राहम लिंकन से कई लोग चिढ़ते थे, जैसे अमेरिका की संसद में, तो उन्होंने एक बार उनसे पूछ लिया, क्योंकि उनके फादर एक कॉबलर थे, मतलब मोची का काम करते थे वो, तो उन्होंने संसद के बीच में उनको बोल दिया कि आपके फादर को मैं जानता था, वो कॉबलर थे। तो अब्राहम लिंकन, उन्हें लगा कि ये शर्मिंदा हो जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ मेरे फादर कॉबलर थे, लेकिन वो इतने जबरदस्त कॉबलर थे कि मैंने आज तक उतने बढ़िया जूते किसी को बनाते हुए देखा नहीं है, और वो अपना काम इतनी शिद्दत के साथ करते थे कि मैं आज भी उनसे प्रेरणा लेता हूं। तो जिस भी काम में हम है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और हर आदमी के लिए काम एक निर्धारित है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, काम में कभी शर्म नहीं करनी है। हमें 100% हमें पता होना चाहिए हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो फिर हम उसको पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर प्रणव, आपसे हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कि क्या आपके
क्या फैक्टर्स है जो डायरेक्ट सेलर को चाहिए और जिससे कि वो अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सके? डेफिनेटली देखिए, फैक्टर पहले जो फैक्टर बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेटिंग से आते थे, तो पहले उनका जो है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेटिंग, ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सेकेंड जो फैक्टर होना चाहिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखिए फाइनेंशियल फिलोसॉफी पे भी देखेंगे, किसी का अर्निंग आपको देखना है तो उसका 10 फ्रेंड का नाम पूछिए तो उसका अर्निंग पता चल जाएगा। तो एक आदमी आ रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने के लिए पहले उसका एसोसिएशन, उसका ओरिएंटेशन चेंज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहां से उनका स्टेप बाय स्टेप बिलीव लेवल, क्योंकि उनका आसपास में देखते हैं ट्रेनिंग में सेमिनार में लोग अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा उसका अंदर जो बिलीव, जो डाउट था वो डाउट कम हो जाता है, बिलीव ज्यादा होता है और एक ब्रिज बन जाता है। ब्रिज क्या होता है, तो वो जब आते हैं ना, तो आने का बाद कुछ दिन पहले वो डाउट में रहता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका अंदर ड्रीम होता है, तो ड्रीम के साथ साथ डाउट भी पैदा होता है। जो ड्रीम का जब इंटेंसिटी ज्यादा होता है तब ब्रिज, आइडिया का ब्रिज आता है, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, एक बाय स्टेप बाय स्टेप वो डेवलप होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को लगता है। बहुत बढ़िया आपने बात की, पावर ऑफ एसोसिएशन। यस, एसोसिएशन के लिए और एक बेहतरीन चीज जो मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा घर कलकत्ता से ट्रेन अराउंड 2 आवर्स जर्नी होता था ट्रेन में, सो एवरी डे मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, 2 आवर्स जाना 2 आवर्स आना रीडिंग बुक्स। सो ये भी एक बहुत पावरफुल एसोसिएशन जो आपका सोच को बदल देता है, जो आपका जिंदगी को बदलता है। बहुत परफेक्ट आपने बात बोली। मैं अपने हमेशा यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता हूँ कि जो सबसे पावरफुल चीज है वो भी एसोसिएशन है, और सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज भी एसोसिएशन है। गलत एसोसिएशन में जाओगे खत्म हो जाओगे, अच्छे एसोसिएशन में जाओगे ग्रो करोगे। और आपने भी सुना होगा कि देयर आर जस्ट 2 थिंग्स व्हिच विल चेंज अ पर्सन, एंड वन इज द बुक्स यू रीड एंड द पीपल यू मीट। जिन लोगों से आप मिलोगे, और आपने बुक्स की बात की क्योंकि बुक्स भी एक एसोसिएशन है। आप उस व्यक्ति की एसोसिएशन में है जिसने 40 साल लगा के उस किताब को लिखा है, तो आई परफेक्टली आई सेकंड यू ऑन दैट। रजत जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके 2 फैक्टर। मेरा 2 फैक्टर सर मैं अगर बताऊंगा, एक तो मैंने कंपनी पे और सिस्टम पे पूर्ण भरोसा किया। मैंने बहुत समय में मैं देखता हूं लोग ना पूरा भरोसा नहीं कर पाते, तो मैंने पूरी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा किया कि हाँ यही कंपनी है जो मुझे आगे ले सकता है। सेकेंड, मैं खुद के ऊपर भरोसा किया, हाँ मैं आगे जा सकता हूं। मेरे साथ में जो लोग आए मैं उनके ऊपर भरोसा किया, हाँ यही लोग हैं जो कल लाखों करोड़ कमाएंगे। तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने फैक्ट कर रहे हैं। बिलीव में काम नहीं चलेगा, आपने अनशकेबल बिलीव की आवश्यकता है। अगर कहीं पे 1% भी शक रह गया कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तब काम नहीं बन पाता है। तो हमको अनशकेबल बिलीव चाहिए, आप उसको फेक बोल सकते हैं, बिलीव बोल सकते हैं, जिससे भी। उसके साथ साथ अगर मैं सीधा बोलूं इस बिजनेस को कैसे मैंने बनाया, मैंने नेटवर्क की साइज को बढ़ाने पर काम किया। मेरा फोकस रहा नेटवर्क की साइज बढ़े। अगर मेरा नेटवर्क में 1 व्यक्ति है, कैसे 10 होगा, 10 से कैसे 100 होगा, 100 से कैसे 1000 होगा, 1000 से कैसे 10,000 होगा, 1,00,000 होगा, 1 करोड़ होगा, क्योंकि आज मेरा नेटवर्क लगभग 1 करोड़ की नेटवर्क है। हमेशा मैंने फोकस किया हूं कि मेरे नेटवर्क की साइज बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हमेशा मैं 90 डे का एक चेकलिस्ट रखा हूं कि 90 दिन के बीच में मैं चेक करता हूं कि लास्ट 90 दिन में मेरा ज्वाइनिंग कितनी बढ़ी, लोग कितने ऐड हुए। अगर ऐड हुए मैं शाबाशी देता हूं, अगर ऐड नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पे कमी चल रहा है, उसके ऊपर मैंने हमेशा फोकस किया, इसके कारण मैंने आज यहां पे हूं। और 1 मिनट सर मैं आपका लूंगा। मुझे लगता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में मैं सीधी बात करूंगा, कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा। अगर एक व्यक्ति के पास में लक्ष्य है, गोल है, और वो प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान की नॉलेज और कंपनी के बैकग्राउंड के नॉलेज वो रखता है, प्लान को बढ़ाते चलता है, प्रोडक्ट शेयरिंग को बढ़ाकर चलता है, और डुप्लीकेशन पे ध्यान देता है। मैं अकेला रजत नहीं, 10, 20, 50, 100 रजत अगर निकलेंगे तभी मेरा काम होगा। और जैसा प्रणब दा ने बताया एजुकेशन, आपने भी बताया सर बुक एजुकेशन, क्योंकि मोटिवेशन डीमोटिवेशन चलते रहता है, अगर एजुकेशन पे वो फोकस किया तो ये बिजनेस में वो बहुत आगे जाएगा, दुनिया का कोई शक्ति बचा नहीं सकता, और हार्डवर्क का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आपने बात की, छोटी सी 2 मिनट के अंदर आपने अपनी बात रखी, और सारा का सारा नेटवर्किंग ही इसके अंदर आपने डाल दी। डायरेक्ट सेलिंग, डुप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, हम प्लान की, नेटवर्क एक्सपेंशन, मतलब प्लान शो करने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपने बहुत खूबी से बताया। और नेटवर्किंग में बोला जाता है कि जो चीज डुप्लीकेट नहीं करती है वो चीज कभी भी काम नहीं करती। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मैं रिट्रेट करना चाहूंगा कि डुप्लीकेशन का काम है इस बिजनेस में। क्या होता है, बहुत बार लोग आते हैं और उनको लगता है कि यार मेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब मैं हूं एक्सपर्ट,
तो कोई उससे कुछ भी पूछता है तो बोलता है मेरे पास आओ मैं जवाब दूंगा तुम्हारा, है ना। तो जो भी व्यक्ति इस माइंडसेट से आता है वो आदमी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, है ना। एक रजत नहीं चाहिए हमें, हजारों लाखों रजत चाहिए, हजारों लाखों कुणाल चाहिए, हजारों लाखों दीपक चाहिए, हजारों लाखों प्रणव चाहिए, हजारों लाखों वासु चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त आपने की प्रोफेसर वासु, योर टू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट हैव ब्रॉट प्रोफेसर वासु टू अ स्टेज वेयर इन ही इज हैंडलिंग अ नेटवर्क ऑफ 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज ओनरशिप। से अभी जो लोग यहाँ फेल होता है ये सोचता है ये और एक जॉब है, ये दूसरे के लिए काम करना है चाहता है, वहां आने के समय ही अपलाइन का काम करना है, कंपनी को काम करना है, डाउनलाइन को काम, वो सोचे तो कभी वो कामयाब नहीं बनेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी सक्सेसफुल इज यू आर ए ओनर ऑफ दिस बिजनेस, यू आर एन एंटरप्रेनर, यू आर इन ए फ्री एंटरप्राइज, यू हैव द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यू हैव टू रन यूर ओन बिजनेस। जब तक वो सोच दिमाग में नहीं आएंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू द बेसिक्स बिकॉज दे डोंट थिंक दैट दे आर द ओनर, दे आर थिंकिंग दैट अगेन इट इज अनदर जॉब, दे आर वर्किंग फॉर समबडी। द मोमेंट डिसाइड दे डिसाइड दैट दे आर ओनिंग द बिजनेस, दे आर एन एंटरप्रेनर, दे आर गोइंग टू डेवलप द देयर ओन बिजनेस हियर, एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग। सेकेंडली द टीम and leadership. Of course, the basic thing like dream, goal, setting, all these targets, everything is there. But most important thing here is education and training, education and training, education and training. Because nobody knows about direct selling while they are enter into this business, irrespective of their any number of degrees. People come with the ego, I am PhD, I am MBA, I am O, I am doctor. They think that I know everything. No necessity of any teaching. The mindset is they refuse to understand, they refuse to study. Because Professor Charles W. King, the first Vice Chancellor of MLM University, he says, if this industry is very easy, very good, very profitable, why everybody doesn't enter? He says, only reason they don't understand. They don't understand this industry. This industry, anybody can enter once they understand. People like me, otherwise very difficult to bring. It's the high super, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh salary people, you cannot drag to direction. They think that you are doing Kera footpath business. They think that you are a street wala. They called me also. A professor ko kya ho gaya? Dimag karab ho gaya. Malaysian ne usko magic dala, kala jadav dala. Isiliye itna bada post ko lokkar ye chai piye, coffee ke piche bhagta hai. Ye, I was ready to hear, I know that it will happen. I did not care for that, those words. Today, my vengeance is those who told like that, they are broke financially. They are out after 60 years, no money. Very paltry sum of pensionable income, they are unable to make. As you know, 65% of the people, 90% of the people above 60 years are financially broke because they can't go to another employment in old age. I was thinking in my 50s, I must make enough. I should not depend on anybody. I must be a giver, not a taker. Today I am a giver. I do a lot of charity also. I am very happy about that. There is no time to share in this. To save life, save children from malnutrition, anemia in India, particularly girl children. So many things from my organization I am silently doing. I am happy to do. Because God has blessed me with the money. That is why I told you earlier itself, don't say no to money. Everybody. Otherwise, why we Lakshmi Puja ko kyo karte hain yaar India mein? Lakshmi ek hamara God hai. I thought Lakshmi ko nikala, hum kuch nahi kare to Lakshmi chahiye. Lakshmi sabko chahiye. We have to welcome the Lakshmi. You know, this is the goddess of wealth. Hence, no, don't say no to wealth. If you have a great heart, like our Tataji, a bachelor who doing lot of charity. Let God bless us direct selling industry. Let God bless direct selling industry. Let God bless all of us to be, you know, cruelly rich. That means huge. They are. They have enough to make this society beautiful. Perfect, sir. So perfectly resonate your thoughts that it's like money is good. Money is always good and
everyone can be rich. And generally, the mentality of the people is that if someone is rich, if someone has risen heights, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है और आप सुनोगे मतलब वो दबे मुंह में बात करते हैं कि यार ये जरूर कुछ गलत करता है तभी इतना रिच है. And at very that point, they close their door for richness. Yes. जैसे ही उन्होंने ये बोला कि ये अमीर है, गलत काम करके पहुंचा है और क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं सकता इसलिए मैं अमीर कभी बन नहीं सकता, है ना. तो वेरी वेल सेड. एंड सेकंड थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एंड यू बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, दैट इज एजुकेशन इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली इन आर एजुकेशन इंडस्ट्री वी आर टीचिंग पीपल, वी आर अपब्रिंगिंग पीपल टू टेक अप जॉब्स. यस, हम जॉब्स के लिए उनको प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दैट इज समथिंग दैट पेन्स मी. एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय लाइफ एज वेल एज आई एम श्योर योर लाइफ इज ऑल्सो इज bring subjects like direct selling into academia wherein understand. That is the need that of the hour. Develop an entrepreneurial mindset. Your energy is contagious, sir. And finally, we'll quickly wrap it up with, sir, we'll start with Professor Vasu. You, one line message to the direct sellers who are watching you. So about the career viability, one line message, single line message to the direct selling fraternity. Of course, you are the people to create your own destiny. Don't look for somebody. The opportunity is immense. And today, even the government is with us. As you know that government of India says, rather than becoming a job seeker, become a job giver. This is the boon to us. Let us become through this sector, pious sector, holy sector. And another one point I would like to add, sir. Sorry to take the time. Because we have to join together as an industry to strengthen IDSA. That is our strength. That is our identity. We will make IDSA very strong to see that India will become number one direct selling country in the world. We will overtake America. That's my dream, having touched this industry. Thank you, sir. Amen, sir. Amen. And इस बार हम थोड़ा random करते हैं. दीपक जी आपसे पूछेंगे. जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा, अभी सबने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिया और उसी में एक बात ऐड करना चाहूंगा, या तो लोग पैसा बनाएंगे या लोग बहाने बनाएंगे. जो लोग बहाने बनाते हैं वो पैसा कभी नहीं बना सकते, राइट सर. तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार. ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हम करते आ रहे थे लेकिन समय के साथ भी हमें चेंज करना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छा है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना चाहिए. अभी जो कोविड टाइम है, हम सब लोगों ने अपनी टीम को, अपने वर्किंग स्टाइल को एकदम से मॉडिफाई किया और हम लोग आज की डेट में जूम पे और फेसबुक पर और सब चीजों पर हम लोग अपने बिजनेस को लेके आ गए. तो एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए हैं और अर्निंग की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो ऑलमोस्ट डबल आज की डेट में बिजनेस हो चुका है. क्योंकि पहले लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और आज की डेट में आप रात को भी मीटिंग कर सकते हैं, दिन में भी जब चाहें जब आ सकते हैं. तो इतना ईजी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ सीखने की जरूरत है. तो आज इतने इतने ग्रेट लीडर्स यहाँ पर हैं, इस वेबिनार से बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा. तो मैं ये चाहूंगा, सिर्फ एक ही चीज है कि आपको सीखना है. ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार ऑनलाइन जैसे भी आप कर सकते हैं उसको करिए और बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते. तो अपने आप से कमिटमेंट चाहिए सर, वो कामयाब हो सकते हैं. परफेक्ट सर, परफेक्ट. और चेंज का समय और कोविड ने तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक तरीके से हम बोलते हैं मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही है. लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आया है कि हेल्थ प्रोडक्ट कितने जरूरी है. और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मुझे ध्यान है कि पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च करके कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है मीटिंग करने के लिए. और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि एक जो ऑनलाइन मीटिंग है वो किसी भी तरीके से कम इफेक्टिव है. तो मुझे याद है अभी वो आ जाएगा जी, चेतन जी से अभी मैं मिला था, आईडीएसए, आपसे भी मैं मिला था आईडीएसए के कॉन्फ्रेंस. हम लोग ली मेरिडियन में इकट्ठा हुए थे और ली मेरिडियन में कितना एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ होगा. और आज हम लोग फेसबुक पर हैं, जूम पर हैं, तो वही चीज आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. तो कितना एनर्जी, कितना टाइम सेव होता है वो. बहुत बढ़िया. डॉक्टर प्रणव, व्हाट्स योर कोर मैसेज, सिंगल लाइन मैसेज टू द डायरेक्ट सेलिंग. करने के बाद अगर ग्रोथ करना है, ड्रीम को अचीव करना है, तो थोड़ा ड्रीमर से आगे डिजर्विंग कैरेक्टर में जाना पड़ेगा. थोड़ा एक्स्ट्रा हर चीज पे, लर्निंग पे एक्स्ट्रा, करने का टाइम एक्स्ट्रा, और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक अलाइनमेंट. ओके, जब ड्रीमर
डिजर्विंग कैरेक्टर में जाता है उसका जो भी ड्रीम होता है अचीव करता है और अचीव हो जाता है। और ये एक प्रोसेस है कंटिन्यूस, आपका जो ड्रीम आएगा उसमें डिजर्विंग कैरेक्टर थोड़ा एक्स्ट्रा, आपका जो लग रहा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हमेशा आप अचीव करेंगे एक के बाद एक। बहुत ही ज्यादा गुड मैसेज है ये, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि यार चलो आज हमने टारगेट दो प्लान रखा था तो दो हो गया तो हो गया, लेकिन जो सुपर अचीवर्स हैं जैसे आप लोग आए हुए हैं बहुत सारे, तो आप लोग वही है जो तब तक काम करते हैं जब तक कि काम करने लायक नहीं रहते, मतलब जब तक ये नहीं रहता कि यार, और रात को नींद जितना ज्यादा काम किया होता है उतनी अच्छी नींद आती है रात को। कुणाल जी आपसे पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच कैन रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री। आज की डेट में हर साल लगभग 90 लाख बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, और मैं अगर COVID-19 की बात करूं तो करोड़ों लोगों ने नौकरियां खो दी हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट नहीं है, हम लोग सोल्जर भी हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं नौकरियां खो गए हैं और बहुत सारे लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो शायद अगर हमारे में से इस वक्त उनके पास कोई व्यक्ति मिल जाए और उनको जाके मोटिवेट कर दे और उनको दिखा दे कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। और इसके अलावा दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच कैन गिव यू अ साउंड हेल्थ वेल्थ एंड एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी दुनिया के लोगों से मिलते हैं जिससे हमें मानसिक रूप से भी हम लोग जो है सक्षम होते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। सो दैट्स इट, थैंक यू। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया आपने बात की, पूरा पैकेज है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ कंप्लीट पैकेज। यू टॉक अबाउट हेल्थ, यू टॉक अबाउट वेल्थ, यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी, यू टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग, यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल वेलबींग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड से अछूती है। सो वेरी वेल सेड सर। रजत जी, कंक्लूडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सर। तो पहले तो बोलूंगा जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं हम एक परिवार के हैं, हम ये माने कि हम एक परिवार के हैं, एक दूसरे को तारीफ करना बढ़ा दिया जाए, एक दूसरे को हम लोग खूब तारीफ करें और ये विश्वास करें कि सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं। विश्वास करें अपने कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी में भी आप हैं पूर्ण विश्वास करें और खूब हार्डवर्क करें, खूब हार्डवर्क करें, टाइम लगाए, 4-5 साल 10 साल का प्लानिंग बनाए तो लगातार काम करें, सपने आपको आपके पास में पहुंचेगा, मेरा इतना विश्वास है। थैंक यू सो मच। बहुत ही वेरी ब्यूटीफुली सेड सर, और आपने भी जाते जाते कितनी गुड बात कर दी कि दिस इज द टाइम फॉर द इंडस्ट्री टू स्टैंड टूगेदर। यस, और अभी भी आप देखोगे, मैं मतलब आई एम 100% श्योर कि अगर आप अभी मैसेजेस पढ़ोगे फेसबुक पे जाके तो आपको समझ में आएगा कि मैं बेहतर हूं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, मेरा प्लान अच्छा, उन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। पहले सबके प्रोडक्ट देखो, सबके प्लान देखो, जो सबसे बेस्ट लगता है उसको चूज करो और उसमें अपना 100% दो, उसके बाद फिर नॉलेज लो उसके बारे में। दिस इज एंड एज यू राइटली सेड कि तारीफ करो, क्योंकि जनरली ह्यूमन माइंड को ऐसा लगता है कि यार वी ट्राई टू विन अप्रिसिएशन बाय क्रिटिसाइजिंग अदर्स। हम बोलते हैं यार ये बुरा है, तो मुझे लगता है कि उससे दूसरा आदमी ये सोचेगा कि ये अच्छा है। वी कैन नेवर विन अप्रिसिएशन बाय क्रिटिसाइजिंग अदर्स, वी कैन ओनली विन अप्रिसिएशन बाय अप्रिशिएटिंग अदर्स। लोगों को अच्छा बोलेंगे आपके बारे में, लोग अच्छा बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया आपने बात की। चेतन जी आपसे कंक्लूडिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे। सर दो चीजें हैं, आपने पिछला पॉइंट भी कहा था कि बट आर टू पॉइंट्स जो एक बिजनेसमैन को चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो मैं फाइनल दो पॉइंट्स देना चाहूंगा, पहला फिलॉसफी आप ये रखिए, स्टार्ट टू गिव बिफोर यू वांट टू टेक। यू नो लोगों को बिजनेसमैन की कामयाबी दिखती है, पर उस कामयाबी के पीछे जो बिजनेसमैन ने अपना खून या पसीना लगाया है लोगों को वो नहीं दिखता। तो एक बिजनेसमैन की कामयाबी से चकाचौंध होने से पहले जो उसने मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के लिए, उस पर भी देखिए। अब्दुल कलाम जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी एक कोट कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो आपको नींद आने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। So, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा हमारे लीडर्स ने भी कहा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी के 5-10 साल आपको लगाने पड़ेंगे। कुणाल जी ने अपने परिवार को कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं दी मेहनत के लिए, रजत जी के साथ भी यही रहा है, सबके साथ मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, सराउंड योरसेल्फ विद द बेस्ट। देखिए अ मैन इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। आप जिस तरह के लोगों के बीच रहेंगे आपकी सोच उस तरह की बनेगी। आप अपने आप को लीडर्स के साथ रखिए, ये आज जो इंडस्ट्री के लीडर्स यहाँ पर हैं इनको सुनिए, इनकी बातों को, ये अपने जीवन का निचोड़ आपके साथ शेयर करते हैं अपने सेमिनार्स में या अपने वेबिनार्स में, तो इनकी बातों को सुनिए, इन जैसे लोगों की कंपनी में रहिए, एंड यू विल बी एबल टू सी कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी में
कितना पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम यू नो ऑन बिहाफ ऑफ आईडीएसए फॉर टेकिंग आवर टाइम. आई नो इतनी देर में आप दो चार मीटिंग्स और कर लेते पर आपने टाइम निकाला और आईडीएसए के वेबिनार में. सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू डॉक्टर कमल फॉर द फाइनल कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच. और जैसा चेतन जी ने भी बताया, हम बहुत बहुत दिल से आपके आभारी हैं, आप सभी लोगों के, सभी लीडर्स के, कि आपने समय निकाला, लेकिन आपने समय अपने लिए निकाला है, आपने अपने भाइयों के लिए समय निकाला है. दिस इज अ फ्रेटर्निटी, ये एक भाईचारा है और पूरी इंडस्ट्री को आप जैसे लीडर्स की, आप जैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है. और एक ही कंपनी के लिए हम कन्फाइंड ना रहें और पूरी इंडस्ट्री को हम एक परिवार की तरह देखें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा सपना होना चाहिए. और मुझे आई एम 100% श्योर कि आप सारे लोग ऐसा ही देखते हैं. जैसे चेतन जी ने भी बताया, आईडीएसए इज अ अम्ब्रेला जिसके अंडर बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो यही हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि एक इंडस्ट्री की तरह रहें और भाइयों की तरह रहें, एक परिवार की तरह हम रहेंगे और इस इंडस्ट्री को, जैसा प्रोफेसर वासु ने भी बोला, सो वन मिनट सर, ये इज्जत ऑफ दिस इंडस्ट्री. यस सर, इज्जत दैट the name for this industry will come only while everybody join together to promote the name of the industry. Yes, right sir. So hum log aur definitely hum apna sapna sakar karenge. Sabhi logon ka hamara sapna hai ki Hindustan ko hum us jagah par pahunchaye jahan Hindustan deserve karta hai. We'll surely make India in the top 3 countries and Professor Vasu goes a step forward. He says we'll make India the top number 1 country in the world of direct selling. So hopefully we'll surely do that and we are moving up the ladder. So 19th number se hum 15th number pe aa gaye, we are at 15th place and surely in the coming 10 years we'll there in the very top. Aap logo ka hardik dhanyawad ek baar dobara se aur milte rahenge. We shall keep in touch aur badhiya karenge, bahut acha karenge. Dhanyawad, swasth rahe aur acche se apna parivar sambhale. Dhanyawad. Thank you everybody.